अमदावाद में वरसाद शहर वस्त्राल और जीवराज पार्क विस्तार में झापटू पड़ू। वरसद ने कारण वातावरण में ठंडक प्रसरी। अमदावाद में मणिनगर खोखरा वस्त्रापुर और शाहीबाग सहित अनेक विस्तारों में वरसाद, वातावरण में ठंडक प्रसरी। सूरत बारडोली पंथक में वहली सवार धीमी धारे वरसाद, वरसद ने पगले बफारा में लोगों ने राहत मिली। तो वडोदरा में वरस्यो वरसाद, आश्रे चार दिवस बाद वरसाद पड़ता लोगों ने गर्मी में राहत मिली। अंकलेश्वर तालुका में वादळछाया वातावरण वच्चे वरसाद वरस्यो, मेघराजा की धमाकेदार इनिंग थी वातावरण में ठंडक प्रसरी। पंचमहाल शहरा तालुका मोरवा गा में धोधमार वरसाद, मोरवा रेणा सहित विस्तारों में वरसाद, लोगों ने गर्मी में राहत मिली। विरमगाम पंथकनु वातावरण बदलायू, शहर और ग्राम्य विस्तार में वरसाद वरस्यो, दिवसभर वादळछाया वातावरण और उकळाट बाद वरसाद वरस्यो। डांग जिला में छूटो छवायो वरसाद, वघई में धोधमार वरसाद थी रस्ता पर पानी फरी वळ्या, आवा नजीक शिवघाट पर नयन रम्य दृश्य सामे आव्या। छोटाउदेपुर क्वांटनी करा नदी में नवा नीर आव्या, उपरवास में भारे वरसाद ने पगले करा नदी बे कांठे। छोटाउदेपुर खुशालपुरा और गढ़ ने जोड़ते मेण नदी कोजवे पानी में गरकाव, जीवना जोखमे वाहन चालकों पसार थई रह्या छे। छोटाउदेपुर नसवाड़ी तालुका में मेघराजा की पधरामणी, नसवाड़ी तालुका की मेण नदी में नवा नीर आव्या, नदी पार करता युवा जीवना जोखमे खेड़ी रह्या छे। छोटाउदेपुर शहर में भारी पवन साथ वरसाद, नालेज पीपलेज धंधोड़ा पुनियावाड चिरलवाड गामों में वरसाद, धरतीपुत्रों में आनंद की लागणी। अमरेली जिला वातावरण में पलटो, सावरकुंडला विजपड़ी गाम और आसपास विस्तारों में वरसाद वरस्यो। नवसारी शहर में वरसाद, स्टेशन विस्तार रेलवे गरनाला में घूटणसम पानी भराया, स्टेशन विस्तार मुख्य रस्ता पर भूवो पड़ो। खेड़ा कपड़वंज में धोधमार वरसाद नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराया, अनेक विस्तारों में ढीचणसम पानी भराता पालिका की प्रीमोन्सून कामगिरी सामे सवाल उठा। आणंद उमरेठ तालुका ग्राम्य विस्तारों में वरसाद, भालेज खानकुवा सहित विस्तारों में पवन साथ वरसाद वरस्यो, खेडूतों में खुशी माहौल। वडोदरा में धोधमार वरसाद, बपोरे सामान्य वरसाद बाद धोधमार वरसाद वरस्यो, चार दिवस बाद वरसाद थता लोगों ने गर्मी में राहत मिली, तो केटलाक विस्तार में पानी भराता परेशानी थी। नर्मदा जिला वातावरण में पलटो, राजपीपळा सहित आसपास गामों में वरसाद, नांदोद तालुका लाचरस थरी टंकारी सहित गामों में वरसाद। गोधरा में वरसादे प्रशासन की पोल खोली, सामान्य वरसाद में जिला सेवा सदन मुख्य द्वार पास पानी भराया, अरजदारों मुश्किल में। इंदौर में चलता गैरकायदे कॉल सेंटर अमदावाद की रख्याल पुलिस पर्दाफाश कर, बारडीजल आप बहाने मोटा वेपारी साथ ठगाई थी थी, पुलिस बे आरोपी की धरपकड़ कर, अन्य 10 आरोपी फरार। अमदावाद में नकली आधार कार्ड और आवकना दाखला बनावती गैंग झड़पाई, सरकारी अनाज की दुकान में बनावता था नकली डॉक्यूमेंट, 3 आरोपी की धरपकड़, आरोपी पास थी पूर्व कोर्पोरेटर सही करेला लेटरपेड मिली आया। वडोदरा में वधु एक लव जिहाद केस दाखल, फतेहगंज पुलिस मथके केस दाखल, छाणी युवान और तेना परिवार बे सभ्य विरुद्ध गुनो दाखल, फरियाद आधार युवती पति और बे सभ्यों की धरपकड़। वडोदरा पुलिस ड्रग केस आरोपी प्रत्यार्पण थी होंगकोंग थी कब्जो मेळव्यो, आरोपी शी जिंग फेंग उर्फे रिचार्ड पास थी 2008 में 12 करोड़ ड्रग एनसीबीए जप्त कर्यु हतु, 2011 में आरोपी होस्पिटल में फरार थयो हतो, जे बाद नेपाल थी केनेडा और त्यारबाद होंगकोंग पहुंच्यो हतो। सूरत हजीरा रोड पर ट्रक और टेम्पो वच्चे अकस्मात, ट्रके टेम्पो ने टक्कर मारता अकस्मात सर्जायो, 7-8 लोग इजाग्रस्त। भरूचनी नगर सेवा सदन प्रमुख की जाति केस, नगरपालिका प्रमुख अमित चावड़ा सामे गुनो दाखल, प्रमुख पद माटे जाति दाखलो खोटो रजू कर्यो हतो, कोर्टना आदेश बाद पुलिसे गुनो दाखल कर्यो। भरूचना पालेत थी करजण रोड पर बे टेम्पा वच्चे अकस्मात, टेम्पो चालक टेम्पा में फसाता स्थानिकोए तेने बहार काढ्यो। जूनागढ़ मांगरोड़ लंबोरा गा में सरपंचे अदावत राखी हमलो करता 3 लोग इजाग्रस्त, ग्रामजनों सरपंच विरुद्ध खनिज चोरी की अरजी की, सरपंचे अदावत राखी मार मार्या होवानो ग्रामजनों आक्षेप। मेहसाणा में इंगराजपुरा गाम नजीक खाण खनिज विभागे खनिज चोरी झड़पी, रेती खनन करता 3 डंपर झड़पाया, एक ड्राइवर फरार।
वलसाड एलसीबीए दमण थी गुजरात लवातो दारूनो जत्थो जप्त कर्यो। पाड़ीना ठुकावाड़ा पासेथी 11 लाखना दारूना जत्था साथे एक आरोपी नी धरपकड़। एलसीबीए बुटलेगर रमेश माइकल अने बाबू मारवाड़ी ने वोन्टेड जाहिर कर्या। મહેસાણાના ભારુસણા ગામમાં સસ્તા અનાજના સંચાલકોએ અનાજ ઓછું આપ્યા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો। તુલનાકાંઠામાં ગડબડ કરી 30 કિલોને બદલે 26 કિલો અનાજ અપાતા હોવાનો દાવો ગ્રામજનોએ મામલતદારને લેખિતમાં રજૂઆત કરી। મહેસાણાના સુંઢિયા ગામમાં મકાનમાં આગ લાગી ઘરમાં રાખેલા ઘાસના પૂળા સળગી ગયા। શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હોવાનું અનુમાન।